जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास ने ये लाइनें हनुमान चालीसा में लिखी हैं, जो कि शत प्रतिशत सही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कई भक्तों का ऐसा कहना होता है कि बहुत समय से वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं कई भक्त तो, लेकिन हमारे काम में रुकावटें आती हैं, कोई भी इच्छा हो जल्दी से पूर्ण नहीं होती है, बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं हम फिर भी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है जो चाहते हैं कि हनुमान जी शीघ्र ही पूर्ण कर दें, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का पाठ करने के कई तरीके होते हैं। कुछ भक्त नियमित तौर पर प्रतिदिन, हनुमान जी उनके इष्ट देवता हैं इसलिए वो आराधना करते हैं, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, जिससे कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, निष्काम भाव से वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो जब आप निष्काम भाव से हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अधिक नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जब समय है आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी शीघ्र ही उस मनोकामना को पूर्ण कर दे, आपकी जो भी इच्छा है वो शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक नियम बनाएं अपने लिए कि किस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, किस समय में करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे और कितने दिनों तक लगातार करेंगे। अगर आप नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपकी जो कामना होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मात्र 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप किस प्रकार से करें, जिससे कि आपके मन की चाहे जो भी कामना हो वो पूर्ण हो जाए। और ये उपाय आप किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपके नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, या अपना घर चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, या परीक्षा में सफलता चाहते हैं, या फिर जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक संकट है, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, संतान की कामना है या धन की कामना है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हो, या मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, मांगलिक दोष के कारण आप परेशान हैं, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना है, किन नियमों का पालन करना है, किन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है, किस समय ये पूजा करनी चाहिए, ये समस्त जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो इस उपाय का है, एक ही समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसलिए समय निश्चित कर लीजिए। आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहें तो शाम के समय कर सकते हैं, दोनों समय में से कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए। और एक सही समय कि आप अगर 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, या शाम को अगर आप 7 बजे कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं, तो वो समय निश्चित होना चाहिए कि इसी समय आप प्रतिदिन पाठ करेंगे। तो समय आपका एक ही होना चाहिए, आप जो भी समय आपके अनुकूल हो निश्चित कर लीजिए कि आज से आप इस समय पाठ करेंगे। अगला जो आपका नियम है, आपका आसन एक होना चाहिए, मतलब जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे आप प्रतिदिन उसी आसन पर बैठकर पूजा करेंगे, और जिस आसन पर आप पूजा करने वाले हैं उस आसन पर घर का कोई भी व्यक्ति बैठकर पूजा ना करे। आसन सिद्धि बहुत आवश्यक होती है, आसन का बहुत महत्व होता है, इसलिए पूजा में अपना आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। इसके बाद एक ही स्थान पर बैठकर आपको पाठ करना है, जिस स्थान पर आप पहले दिन पाठ करेंगे उसी स्थान पर आपको प्रतिदिन पाठ बैठकर करना है, और स्नान के बाद ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगला जो नियम है, लाल रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करें कि हनुमान जी की जब आप पूजा कर रहे हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र ना हो तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग का प्रयोग ना करें। और इन 11 दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी की पूजा करते समय भक्तों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो 11 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब इस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है अगर आप चाहते हैं कि 11 दिन में भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो और शीघ्र ही आपकी कामना को पूर्ण कर दें। अब आपको पाठ प्रारंभ करना है, तो कब से शुरू करना चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इस पाठ को करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि शुक्ल पक्ष में आप ये पाठ शुरू करें या कृष्ण पक्ष में शुरू करें, किसी भी पक्ष में आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। मतलब महीने का कोई भी मंगलवार हो आप उस दिन से ये पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और मन में एक दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस पाठ को प्रारंभ करें।
और जिस भी समय आप ये पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सुबह करना चाहते हैं या शाम को करना चाहते हैं, तो स्नान कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद जिस भी स्थान पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। घर का ईशान कोण पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है, तो आप चाहें तो घर के उत्तर या पूर्व की दिशा में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उस पर स्थापित कीजिए और उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए। अब आपको एक कलश लेना है, कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो तांबे का भी ले सकते हैं या पीतल का भी ले सकते हैं। हनुमान जी के चित्र के पास ही आपको कलश की भी स्थापना करनी है, तो कलश के नीचे एक स्वास्तिक बनाकर उस कलश में आप जल भरकर स्थापित कर दीजिए। गंगा जल हो तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। इस कलश में आपको एक सिक्का डालना है, कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो आप उस कलश में डालें। 2 लौंग डालें, कलश के ऊपर पान का पत्ता या पंच पल्लव जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे रखकर उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए। नारियल पर कलावा जरूर लपेटें और स्वास्तिक बना दीजिए रोली से। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि आप 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किस कामना से करना चाहते हैं वो भी हनुमान जी के सामने कहिए। आपका पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो हनुमान जी की कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके इस पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अब आप पाठ प्रारंभ कीजिए। तो प्रतिदिन 11 पाठ आपको करना है, मतलब हर रोज आप 11 पाठ करेंगे और 11 दिन तक ये पाठ आपको करना है। हर रोज जब आप पाठ करने बैठेंगे तो अपने सामने एक गिलास में भरकर पानी रखेंगे, हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे। भोग आप किसी भी चीज का अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं या किसी फल का भोग लगा सकते हैं, मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है यथासंभव हनुमान जी को भोग लगाइए। लाल पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय है, प्रतिदिन हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। इस प्रकार से प्रतिदिन हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। जो हमने कलश स्थापना की है वो कलश हम 11 दिन तक रखेंगे, उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल उसे स्पर्श नहीं करना है। दीपक आप प्रतिदिन पूजा के समय जलाएंगे, इतने समय अवश्य दीपक जलता रहे जितने समय तक आप पूजन कर रहे हैं, मतलब पूजन के समय दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 11वें दिन जिस समय आपने पूजा प्रारंभ की थी उसी समय आपकी पूजा समाप्त भी होगी। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए 11 पाठ आप उस दिन कर लें, उसके बाद जो भी आपने पूजा की है, जो भी आपने पाठ किया है, हनुमान जी के चरणों में उन्हें समर्पित करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी जाने अनजाने आपकी पूजा में पाठ में कोई भी प्रकार की भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें, और इसके बाद हनुमान जी से अपनी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और 11वें दिन हमें कलश वहां से हटाना है, तो सबसे पहले कलश पर से नारियल हटाएंगे। आप नारियल आप विसर्जित कर देंगे, कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए वो नारियल, या फिर ऐसी व्यवस्था ना हो तो पास में कोई मंदिर हो तो वहां ले जाकर आप रख सकते हैं वो नारियल। स्वयं इसको तोड़ना नहीं है, ना ही इसको घर में खाने के लिए प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। और कलश में जो आपने जल रखा है इस जल को आप एक किसी भी साफ पात्र में भरकर रख दीजिए। आपकी पूजा आपके मंत्रों के द्वारा ये जल अभिमंत्रित हो चुका है, तो इस जल का प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर के हर कोने में इस जल से छिड़काव कीजिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा इस जल में से पीने के लिए भी दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए। थोड़ा सा जल अगर आप किसी पात्र में भरकर रख देते हैं, जब भी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो आप इस जल में से थोड़ा सा पीकर जाते हैं, तो वो कार्य आपका निर्विघ्न पूरा होता है। जल में से सिक्का और लौंग निकालकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो, तो आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर यानी किसी गल्ले में भी रख सकते हैं, किसी भी कागज में या कपड़े में बांधकर भी आप रख सकते हैं। जैसे लाल कपड़े में बांधकर और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपका धन बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है। और अगर आप अपने पर्स में इसे रखते हैं तो आप जहां भी जाते हैं आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा में सफलता पाना चाहते हो या नौकरी के लिए जा रहे हो, तो इस सिक्के को इस लौंग को अपने पास रखें कि ये वस्तुएं अभिमंत्रित हो चुकी हैं मंत्रों के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा, तो ये आपके कार्यों को भी निर्विघ्न पूरा कराएंगी और इसके साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी। और अब इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि जो हम हर रोज गिलास में भरकर पानी हनुमान जी के सामने रखेंगे पूजा करते समय, उस जल का क्या करना है? उस जल को आप जब पूजा करके उठेंगे वहां से, पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो उस जल भरे हुए गिलास को आप स्वयं ही पी लेंगे। इससे आपके मन में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और जो आप भोग लगाएंगे हनुमान जी को, ये आप अपने परिवारजनों को भी दे सकते हैं, स्वयं भी थोड़ा सा अवश्य इसमें से ग्रहण करें। ये हनुमान जी का प्रसाद है तो सबको बांटकर ही खाना चाहिए। और अब आपका सबसे जरूरी प्रश्न, क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बस शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पीरियड्स के समय में आपको ये उपाय नहीं करना है, तो आप
ग्यारह दिन ही हमें ये उपाय करना है, तो 11 दिन शुद्ध अवस्था के आप देख लीजिए और उसी समय में आप ये उपाय करें, जिससे कि ये जो 11 दिन का उपाय है आपका बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 11 दिन के अंदर ही आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर कुछ समय लगता है तो भी आपको धैर्य बनाकर रखना है, 11 दिन आप ये अनुष्ठान कीजिए, इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कुछ समय बाद भी, यानी कि आपने जो पूजा की उसके कुछ समय बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम कई बार, जैसे कि बहुत सारी चीजें 11 दिन के अंदर नहीं हो सकती हैं, जैसे कि आपको संतान चाहिए तो 11 दिन के अंदर संतान नहीं हो सकती है, 11 दिन के अंदर आपका घर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी की समस्या है या धनागमन में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये जो परेशानियां हैं इसमें आपको परिवर्तन इन 11 दिनों में ही दिखाई देने लग जाएगा और बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति, अपना घर, इनके होने में समय लगेगा, तो आप पूरे श्रद्धा से इस उपाय को कीजिए, कुछ समय के पश्चात आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, मन में विश्वास अवश्य रखिए। आप चाहें तो थोड़े समय के बाद फिर से इसी प्रकार से इस उपाय को कर सकती हैं या कर सकते हैं, जिससे कि बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिए। अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो इस उपाय को करने से अवश्य ही वो बनेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।